सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दुकानदारों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, दुकानदार अपनी मर्जी से दुकानों पर नाम लिख सकते हैं। नेम प्लेट से जुड़ी जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हालांकि अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। उत्तराखंड सरकार को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले में सोमवार को ही अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट वरुण सिन्हा जी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद के मामले में अंतरिम रोक हटाने से फिलहाल अभी मना किया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई कि पेटिशनर का जो टोटल आर्गुमेंट है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 22 जुलाई के आदेश में रिकॉर्ड किया है, वह कॉमनल कलर दिया गया है इस पूरे मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश को। जबकि जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी का आदेश है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रिकॉर्ड किया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वह रिक्वेस्ट किया गया है टू द शॉपकीपर्स। उन्होंने कहा कि वॉलंटरीली आप अपना नेम प्लेट, अपने एम्प्लॉयज का नेम डेमोन्स्ट्रेट करें दुकानों के सामने, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसके वजह से कावरियाज में कंफ्यूजन रहा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो हमारा इंट्रीम ऑर्डर है वो अगली तारीख तक कंटिन्यू करेगा और हम फाइनली पूरे मैटर को मेरिट पे सुन करके डिसाइड करेंगे कि ये पिटीशन में क्या आदेश पारित। लेकिन वरुण जी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का आपने जिक्र किया कि वहां पर भी इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें फोर्स कर रही है कि नाम लिखा जाए, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, उसमें बहुत स्पष्ट है कि कंज्यूमर को किसी तरह का इंजरी नहीं होना चाहिए और जो दुकानदार हैं उनको हर तरह से कॉपरेट करना है। जब आप एसएसपी मुजफ्फरनगर के आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें न तो अनटचेबिलिटी का ही है न कहीं कॉमनल कलर है, वह हर समुदाय पर के लिए वो रिक्वेस्ट है। अगर हिंदू है तो वो भी अपना नाम दें, सिख है तो भी अपना नाम दें, मुस्लिम है तो भी अपना नाम दें। तो कुल मिला जुला करके जो पिटिशनर्स ने 22 तारीख को जो एक्सपार्टी अपना सबमिशन दिया, उन्होंने बढ़ चढ़ करके किसी भी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की और उसका नतीजा है कि वो आदेश आया। लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो अगली सुनवाई होगी हम लोग उसमें सफल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई टाल दी है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई जब होगी तब उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। वैसे में देखना होगा कि नेम प्लेट विवाद के मामले में अब जब दोनों राज्य सरकारें इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आखिरी फैसला किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो वही कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाला विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं। हरिद्वार में प्रशासन के एक और निर्णय पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस बार कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। हालांकि बाद में कांवड़ रूट पर मस्जिद से ये पर्दे हटाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर देखिए शेड लगा दिया गया है। आगे ये मस्जिद मजारों का के आगे शेड लगाए गए हैं। इसी रूट से कांवड़िए भी गुजर रहे हैं और ये आदेश दिया गया कि इसे ढक दिया जाए इस तरीके से, लेकिन इसे बाद में हटाने का काम भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि नेम प्लेट के बाद अब ये पर्दे वाला विवाद क्या और बढ़ सकता है आने वाले वक्त में, ये देखना होगा। लेकिन कांवड़ रूट पर मस्जिदों के सामने एक पर्दे नुमा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो टेंट हाउस के पर्दे हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है कांवड़ियों के रूट में, जो तमाम मस्जिदें या फिर मजार ऐसे जो धार्मिक स्थल पड़ रहे थे वहां पर आगे जो पर्दा लगा दिया गया, शेड लगा दिया गया। तो देखिए दो तस्वीरों में अंतर क्या है ये आप देख लीजिए। मस्जिद से तिरपाल जो पहले लगाई गई थी, देखिए पहले मस्जिद ढकी हुई थी, कांवड़िए यहां से गुजर रहे थे, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और बाद में इससे तिरपाल या पर्दे जिसे कह सकते हैं हम, उसे हटाने का काम किया गया है, इस तरीके से हटाया भी गया।
लेकिन इसके पहले कावड़ रूट पर मस्जिदों और मजारों के सामने पर्दा लगा दिया गया था। दुकानों पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कालीचरण महाराज ने इसे जरूरी बताया है। कालीचरण महाराज दरअसल रतलाम पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया और इस दौरान उन्होंने मुस्लिम दुकानदारों पर बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं, इसे थूक जिहाद कहते हैं। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है, थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे हिंदू वहां पे ना जाए। अब रतलाम में कालीचरण महाराज का ये बयान आया और इस महाराज के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि साधु संत जो भी कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। तो कांग्रेस ने कालीचरण महाराज पर निशाना साधा और कहा कि सद्बुद्धि मिले इसके लिए उन्हें गांधी जी के बारे में पढ़ना चाहिए। व्यक्ति समाज में जिस तरह की चीजों को देखते हैं उसके अनुसार अपनी बात रखते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर रखा होगा, लेकिन समाज में सभी को सुचिता का बर्ताव करना चाहिए और सभी को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं कालीचरण जी से बोलना चाहती हूँ कि आप जाकर महात्मा गांधी जी की जीवनी को पढ़ें, पहले थोड़े उनके आदर्शों को अपने अंदर उतारें ताकि आपको थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान हो। और इस तरह की टिप्पणी ये कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जो दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, तब आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है, वो क्या मुंह जिहाद होता है, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी ये कुछ कहें। और इनकी ये जो मानसिकता है, ये माइनॉरिटी दलित पिछड़ा वर्ग गरीबों के विरुद्ध इनकी जो मानसिकता है ये इसको दर्शाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर डाली। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। अफसोस है कि केंद्र को अपनी चूक का एहसास होने में 5 दशक लग गए। ये टिप्पणी एमपी हाईकोर्ट की है। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगाई गई रोक पर ये टिप्पणी की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये रोक हटा दी है। इस फैसले की विपक्ष आलोचना भी कर रहा है, लेकिन इस बीच एमपी हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी आई है। आरएसएस से जुड़ी एक याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये महसूस करने में 5 दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत रखा गया था। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत पर आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी रहे पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा में हर क्षेत्र में काम करती है, उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो मैं सर्विस के दौरान भी चाहकर भी अपना सेवा नहीं कर पाया, तो मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि एक याचिका दायर करना चाहिए ताकि मुझे ये जानकारी मालूम पड़ सके कि पिछली सरकारों ने 1966, 1970, 1980 में 3 बार कर्मचारियों पे क्यों प्रावधान लगाया और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन पर कांग्रेस सरकार ने बैन लगा रखा था, लेकिन मोदी सरकार ने ये बैन हटाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि आरएसएस सामाजिक सरोकार रखने वाला संगठन है और हाईकोर्ट ने भी इसे माना है।
देखिए, इस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक सरोकारों का लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने जो विचारधारा की लड़ाई, जो राष्ट्रवादी विचार को दबाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हटाया है। और मुझे अत्यंत गर्व होता है कि माननीय न्यायालय ने भी इस पे जो तल्ख टिप्पणियां कसी हैं, वो निश्चित ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए आईना है। राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी विचारधारा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कितना भी प्रयास कर लें, दबा नहीं पाएंगे, ना दबा पाए थे। केंद्र बैन हटा चुका है और हाईकोर्ट ने भी बैन को गलत बताया है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी आरएसएस पर आपत्ति है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को पर्दे के पीछे से चलाता है, संगठन के साथ ही सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में भी आरएसएस का दखल होता है। ऐसे में आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन कहना उचित नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी हर राज्य में अपना एक आदमी एलिवेट करती है संगठन मंत्री के लिए, और बीजेपी का पूरा नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बीजेपी का हर निर्णय, चाहे वो संगठन का हो, प्रशासनिक हो, मंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, मुख्यमंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, सब आरएसएस के संकेत पर होता है। अब सरकारी अधिकारी बिना किसी रोक आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकते हैं। केंद्र सरकार के बाद अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आरएसएस पर बैन गलत था। बीजेपी और तमाम अधिकारी खुश हैं जो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को अब भी एतराज है। न्यूज 18 के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, मोहन सरकार का बड़ा फैसला। बड़ा फैसला, और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, अभी ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अग्निवीरों को आरक्षण की बात अब सामने आ गई है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया कि आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को, चाहे बीएसएफ की बात हो या अन्य जो सुरक्षा बल हैं उसकी बात हो, उसमें अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात जो है वो सामने आ चुकी है। और अब मध्य प्रदेश सरकार भी यह ऐलान कर चुकी है, मोहन सरकार का यह फैसला हो चुका है कि पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। तो केंद्रीय सशस्त्र बलों में आरक्षण के फैसले को मार्च में अनाउंस कर दिया गया था, अब उसे इंप्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब मध्य प्रदेश में अग्निवीर का मुद्दा काफी गरमाया भी था। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे देश में बनाने की कोशिश भी की थी, और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अग्निवीरों को आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार देगी और पुलिस में ये आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस भर्ती में। हालांकि अब ये देखना होगा कि कब मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती का ऐलान होता है, क्योंकि उसी के बाद ये आरक्षण का लाभ अग्निवीरों को मिल पाएगा। ये भी देखना होगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों को मिलता है, लेकिन सरकार पहली बार में तो ये कह चुकी है कि हम अग्निवीरों को आरक्षण देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जो पुलिस बल की भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये किस कैटेगरी के लिए होगा, ये सारी चीजें अभी साफ होना बाकी हैं। शैलेंद्र चौहान हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितना आरक्षण दिए जाने की बात है और क्या इसके लिए कुछ कैटेगरी तय की गई है, क्या जानकारी? देखिए, अभी सीएम मोहन यादव की तरफ से जो बयान आया उसमें ये पता चला है, और उन्होंने कहा है कि जो पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। हालांकि आरक्षण कितना देना है इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसके नियम अलग से बनेंगे इसके लिए निश्चित ही कि कितना आरक्षण उन्हें दिया जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देना सबसे अहम फैसला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, बहुत ही बड़ा फैसला है और एक बड़ा कदम अग्निवीरों को लेकर उठाया गया है। निश्चित ही लगातार ये बात उठती थी कि अग्निवीरों को लेकर, या विपक्ष भी हमेशा देश में भी बात उठाता रहा है कि अग्निवीरों को जो मिलना चाहिए वो न्याय या उन्हें नहीं मिल रहा हक, और कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, इस तरह की बातें उठती थी। लेकिन एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का काफी
अहम फैसला और अब इसके नियम तय होंगे कि कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये हो सकता है दो से चार फीसदी आरक्षण हो सकता है पुलिस भर्ती में, और उसको लेकर अभी क्राइटेरिया तय होगा, नियम और आगे कानून जो बनेगा उसको लेकर सरकार के आदेश जारी होना बाकी है। लेकिन सीएम की घोषणा है तो निश्चित ही माना जा रहा है कि एक या दो दिन में, आज या कल में ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना फीसदी आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही बड़ा फैसला माना जा सकता है और जाहिर तौर पर शैलेंद्र बहुत बड़ा फैसला, और एमपी में भिंड मुरैना के जो बेल्ट है वहां के जो युवा है काफी अच्छा महसूस भी करेंगे इस फैसले के बाद। सरकार की तरफ से कहा क्या गया है, सीएम ने क्या कहा है वो सुनाते दर्शकों को। मध्यप्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सब शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, ये घोषणा तो कर दी गई, कितना होगा ये तय होना बाकी है, क्या नजदीकी वक्त में पुलिस भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल आपको दो बड़ी अहम बात हम बता दें कि आज कारगिल दिवस पर जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल अंचल है देखा जाए तो सेना में एक बड़ी संख्या यहाँ के युवकों की रहती है, और उसके अलावा यहाँ के युवक अगर सेना में नहीं जा भी पाए या अवसर नहीं मिला तो अग्निवीर भी काफी बड़ी संख्या में है। तो निश्चित ही जो अग्निवीर है उसको, उनको अगर मौका मिलेगा और अग्निवीरों को भी अगर दो से चार फीसदी भी अगर आरक्षण पुलिस भर्ती परीक्षा में, पुलिस भर्ती में मिलता है तो एक बड़ा फैसला है। सबसे अहम है कि करीब 1,00,000 से ज्यादा ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं पुलिस भर्ती पर, और इसके लेकर नियम सरकार बनाई रही थी, अब उसी नियमों में ये नया संशोधन भी जुड़ जाएगा, एक बड़ा फैसला जुड़ जाएगा कि इसमें अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि जो अग्निवीर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या है, 10,000 से ज्यादा ऐसे अग्निवीर है अलग अलग, जो जिनको जिनमें से जिन भर्ती का पुलिस मौका मिल सकता है, 1,00,000 से ज्यादा पद खाली। बिल्कुल बिल्कुल, कई पद खाली हैं, अब देखना होगा भर्ती कब निकलती है, कितना प्रतिशत आरक्षण होता है, 2 होता है 4 होता है या इससे अधिक होता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से 10% आरक्षण की बात कही गई। यार रुक रहे एक ब्रेक के लिए।